रॉकिंग स्टार यश से दोस्तों अपनी बेटी का दर्द नहीं देखा गया और वो फूट फूट कर रोने लग गए। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। हम दोस्तों अगर बात करें रफ एंड टफ पफ यश की दोस्तों, तो यश की माचोनेस हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखी KGF चैप्टर 1 में। हमने देखा किस तरीके से उन्होंने गुंडों को धूल चटा दी, उनको खून के आंसू रुलाए और साथ ही साथ उनका अलग स्वैग था। ये वो स्वैग था जो दोस्तों उनको आगे लेकर जाता है और घर घर में, इंडिया के घर घर में उनका नाम जो है अमर करता है। लेकिन यश इस दिन रो पड़ते हैं दोस्तों। दरअसल क्या हुआ कि हम सब जानते हैं कि उनकी बेटी हुई थी और वो एक एक संस्कार होता है जहाँ पर बेटियों के कर्ण यानी कि कान छेदे जाते हैं और इनमें पियर्सिंग करी जाती है। तो उस पियर्सिंग की प्रोसेस के दौरान जब उसकी पियर्सिंग हो रही थी, छोटी की आर्या नाम है उसका, तो जब उसकी पियर्सिंग की प्रोसेस चल रही थी तब वो दर्द से ऐसी चीखी कि सामने यश खड़े थे और उनकी आंखों से अपने आप पानी आ गया और वो अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाए। आपको बता दूं दोस्तों कि यश भले ही देखने में रफ एंड टफ है लेकिन दिल से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। और काफ़ी मौक़ों पर हमने देखा है यश को कि वो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। दोस्तों KGF चैप्टर 2 की भी शूटिंग चल रही है, मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड जहाँ पर ये शूटिंग चल रही है वहाँ पर किस तरीके से जो है कोर्ट ने बैन भी कर दिया था क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो गए थे कि लोगों ने कंप्लेन कर दी थी। लेकिन अब जल्द ही शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। लेट्स सी, आपको क्या है कहना दोस्तों यश के बारे में? क्या आपको भी यश बाहर से एकदम सॉलिड यानी कि नारियल जैसे लगते हैं और दिल के एकदम से कोमल और यू नो इमोशनल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज इसी तरीके की दिलचस्प बातें आप लोगों को बताता रहेगा।